Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Gulliver Travels by Jonathan Swift, part 3, chapter 1. Captain William Robinson, the commander of the ship Hope, will propose Gulliver the post of a surgeon. Captain Williamson Robinson, jo hai William Robinson, Gulliver ko as a commander yahan par recommend karta hai surgeon ki post par, ship ke upar, which was going to sail to the East Indies, jo East Indies ki taraf ja raha hai. Gulliver agreed for and sailed away on August 5, 1706. और इस पर गुलीवर एग्री कर जाता है और 5 अगस्त 1706 में वो शिप पर चल पड़ता है. After 3 weeks और 3 हफ्तों के बाद it sailed to the Tonkin and the captain decided to stay there for some time. जब 3 हफ्तों के बाद टोंकिन में वो पहुंचते हैं तो वहाँ कैप्टन डिसाइड करता है कि वो वहाँ 3 हफ्तों तक रुकेंगे. He gave Gulliver the sloop which met with a furious storm. वो एक स्लूप उसे प्रोवाइड करता है जो कि एक तूफान में उसको उसका सामना होता है उसका. On the 10th day और 10वें दिन 2 pirate ships overtook them. 2 समुद्री लुटेरे के जहाज उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं. Gulliver and his companion had to surrender. Gulliver और उसके companion उसके साथियों को surrender करना पड़ता है. Because they were not fully equipped. क्योंकि उनके पास पूरे हथियार नहीं थे to defend themselves, जिनके बेसिस पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. They put him on the boat, वो उसे एक बोट पर रखते हैं and set him adrift, और समुद्र में छोड़ देते हैं. They decided that the remaining man will be equally put to work as slaves, और वो ये decide करते हैं कि बाकी के जितने भी आदमी हैं उनको वो अपने ship पे ही रखेंगे slaves के तौर पर, गुलामों के तौर पर. और Gulliver had 4 days supply, उसके साथ 4 दिन का सामान मौजूद था. एंड गुलीवर गॉट डाउन व्हेन 5 डे लेटर, 5 दिन जब पूरे होते हैं वो उस बोट से उतरता है एंड टच एन आइलैंड, और एक आइलैंड के ऊपर उसके कदम पड़ते हैं. इट वाज अ रॉकी आइलैंड, ये पूरा चट्टानों से भरा हुआ इलाका था. गुलीवर बीइंग टायर्ड एंड डिसोलेट वाज इन लो स्पिरिट, वो काफ़ी थका हुआ था और उसमें पूरा जोश जो था ख़त्म हो चुका था, और उसे लगता था दैट हिज लाइफ्स एंड हैज़ कम, उसकी जिंदगी का अंत अब आ चुका है. आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद ही सडनली नोटिस एन ओपेक बॉडी, उसे एक ओपेक बॉडी नज़र आती है, एक ऐसा शरीर नज़र आता है बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सन, जो कि सूरज और उसके बीच में मौजूद था. इट वॉज मूविंग फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ जा रहा था टूवर्ड्स द आइलैंड. इट सीम्स टू बी अबाउट 2 miles हाई, वो तकरीबन 2 miles की ऊंचाई पर था. एंड हाइड द सन, और सूरज को छिपा देता है 6 or 7 minutes, 6 या 7 मिनट के लिए. गुलीवर अमेजमेंट इंक्रीज, और उसकी ये अमेजमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन मोर व्हेन ही नोटिस सम ह्यूमन बींग्स मूविंग अबाउट ऑन द बॉडी, कि उस बॉडी के ऊपर कुछ इंसानी जिस्म भी उसे नज़र आते हैं. दीज ह्यूमन बींग्स लेट डाउन अ चेन, वो वहाँ से कुछ चेनें लटकाते हैं फ्रॉम द लोवेस्ट गैलरी ऑफ द ड्वेलिंग, जिसके ऊपर मौजूद थे उसी की गैलरी में से. एंड गुलीवर ऑब्जर्व्ड अ सीट फास्टनेड, गुलीवर ये भी ऑब्जर्व करता है कि उनके साथ उन चेनों के साथ एक सीट भी बंधी हुई थी चेन के एंड में. ही मेड अ गेस्चर टू दीज बींग्स टू हेल्प हिम, वो उनको आवाज़ देता है कि वो उसकी मदद करें उसकी इस मुसीबत में, हार्डशिप में. द लोअर द चेन, वो चेन को नीचे कर देते हैं विच गुलीवर हैड टाइटली हेल्ड टाइटली, जिसे गुलीवर तेजी से सख्ती से पकड़ लेता है. एंड ही वॉज पुल्ड इन द एयर, और उसे हवा में ऊपर खींच लिया जाता है. ऑन विच डवेल्ट मेनी अ क्रिएचर, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद थे. गुलीवर हेयर फेस अ डिफिकल्टी, यहाँ गुलीवर को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज, बिकॉज द लैंग्वेज वॉज टोटली अनफेमिलियर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज उनको उस गुलीवर को बिल्कुल नहीं समझ में आती है. और नॉट कुड दे अंडरस्टैंड गुलीवर लैंग्वेज, यहाँ तक कि वे लोग भी गुलीवर की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं. इट वॉज एन अननोन आइलैंड, वो एक ऐसा अनजान आइलैंड था जिसका नाम लपुता था. दिस इज अ समरी ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.